वालेकुम फ्रेंड्स, आज हमारा कुछ ट्रेडिशनल खाने का मूड था, तो जो चीज़ हमने चूज़ की है वो है मुर्गे मुसल्लम। मुर्ग के बारे में जैसा कि आप जानते हैं कि शायद दुनिया की वाहिद फूड आइटम है जिसको बनाने की सबसे ज़्यादा रेसिपीज़ हैं। मुख्तलिफ रेसिपीज़ में हम इसको खाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा दिल नहीं भरता। हमेशा हमारी कोशिश होती है कि इसको किसी मुनफरद अंदाज में ही खाएँ। तो ये मुर्गे मुसल्लम खाने के लिए जिस जगह पे हम आए हैं, ये है पैराडाइज रेस्टोरेंट। ये मॉल रोड पे है, पाकिस्तान केबल्स बिल्डिंग के अंदर इनका रेस्टोरेंट है और पिछले 50 साल से ये यहाँ पे सर्व कर रहे हैं। इनके पास मटन की भी बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है, मटन लवर्स के लिए मटन जॉइंट्स, मटन कोरमा, मटन कीमा और बिरयानी भी होती है। इसके अलावा पालक गोश्त भी होता है, लेकिन मुर्गे मुसल्लम हाईलाइट करने का मेरा मकसद ये है कि ये इनकी स्पेशलिटी है। लाहौर में ज़्यादातर लोग इनको मुर्गे मुसल्लम की वजह से ही जानते हैं। तो सबसे पहले इनके एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में बैठे हैं, इन्होंने यहाँ की मैनेजमेंट ने हमें बहुत वार्म वेलकम किया है, इनसे हम गपशप कर रहे हैं। यहाँ पे इनके एक बहुत ही लॉयल और पुराने कस्टमर एडवोकेट राशिद कसूरी साहब बैठे हुए हैं, तो उनसे पहले हम गपशप करते हैं, उनसे थोड़ा रेस्टोरेंट का फीडबैक लेते हैं, उसके बाद हम खाना खाएंगे और आपसे अपना फीडबैक शेयर। एक ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट है, यहाँ की ज्यादातर जो एटमे है वो है मटन के अंदर। जैसे इनका मटन जॉइंट बहुत लेविश है, बहुत लजीज है, कोरमा इनका, मटन बिरयानी है, मटन कीमा है, फिर मटन दाल है, फिर मटन पालक है। इनका टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं ये सबसे पहले यही सबको कहता हूँ कि जिसमें भी आना है यहाँ पे टाइम को जरा मद्देनजर रखिएगा, क्योंकि टाइम इसका 12 से लेकर 5 बजे तक है, तो उसके बाद से लेकर शाम 5 बजे तक। और स्पाइस फ्राई के साथ ये खुद अपनी इन्होंने मशीन लगाई हुई है, मटन खुद बनाते हैं ये, मतलब खुद बना के। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही आपने कहा है कि ये जो हाइजीन वाला एलिमेंट है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जायका तो बहुत से लोग आपको दे देते हैं, लेकिन ट्रस्ट आपका उस टाइम बिल्ड होता है कस्टमर्स का कि जब उनको सफाई सुथराई और वो सारी चीजों पे एतमाद हो जाता है, फिर वो आंखें बंद करके वहाँ का खाना खाते हैं। बिल्कुल, ये एक नंबर पे है। सबसे ये देते हैं ट्रेन का डेकोर का काम है मतलब, और उनकी आउटडोर मार्केट भी है, तो इस तरह मतलब पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा नेटवर्क है इनका जो है ना। ये शादियों पे जो खाना होता है इनका, जो अपना मेन्यू है वही चीजें ये कुक करके प्रोवाइड करते हैं, या जो कस्टमर की डिमांड जितनी भी डिशेस कहते हैं वो सारा कुछ ही बना के उनको देते हैं? जी, इसमें कस्टमर की डिमांड के ऊपर ज्यादातर होता है, इनकी अपनी आइटम्स में शामिल होती है और कस्टमर की डिमांड के ऊपर भी होता है। सबसे पहले हम रेस्टोरेंट की आपको लोकेशन गाइड कर देते हैं कि ये मॉल रोड पे GPO के ऑपोजिट साइड पे है। अगर आप गवर्नर हाउस वाली साइड से आ रहे हैं तो आपने पंजाब असम्बली क्रॉस करनी है, उसके बाद हाई कोर्ट वाला सिग्नल भी क्रॉस कर लेना है। नेक्स्ट जो सिग्नल आएगा GPO आपके लेफ्ट साइड पे होगा, तो वहां से आपने राइट साइड पे टर्न कर जाना है। राइट साइड पे टर्न करने के बाद रोड पे जो पहला यू टर्न आएगा, वहाँ से यू टर्न लेके आप वापस होंगे तो लेफ्ट साइड पे आपके पाकिस्तान केबल्स की बिल्डिंग होगी। पाकिस्तान केबल्स बिल्डिंग में आप एंटर होंगे तो ग्राउंड फ्लोर पे सामने आपको पैराडाइज रेस्टोरेंट नज़र आएगा। ऑरेंज लाइन ट्रेन से इस प्लेस की एक्सेस बहुत ही ईजी है। सामने आप GPO ऑरेंज लाइन ट्रेन का स्टेशन देख रहे हैं, आप यहाँ उतरें, ये सामने पाकिस्तान केबल्स की बिल्डिंग है, यहां से आप सीधे रेस्टोरेंट में जा सकते हैं। काजू होता है इसके अंदर, किशमिश होती है और एक वाइल्ड एग होता है। यहाँ पे आप रेट चेक कर सकते हैं, फर्स्ट पे मुर्गे मुसल्लम है 1850 रुपए में। ये एक मुकम्मल मुर्ग है जो कि 4 लोग बासानी इसको खा सकते हैं। बाकी जितनी चीजें आप देख रहे हैं वो पर प्लेट इनके रेट्स हैं। और
एक बंदे के लिए एक सिंगल प्लेट जो है वो इनफ होती है, मटन ज्वाइंट 1400 रुपए मटन कोरमे की एक प्लेट, एक बंदे के लिए 700 रुपए मटन कीमा 620, मटन बिरयानी जिसके साथ पालक 20 सर्व करते हैं 650 में, चिकन कढ़ाई 470, चिकन बोनलेस सांडी 1400 रुपए, बटेर मसाला 500 रुपए और दाल चना 180 रुपए में प्लेट है, और दो रोटी लेके आपका मैक्सिमम यह 200 रुपए में एक बंदे का फुल मील। ये मटन जॉइंट्स हैं, ये इनकी स्पेशलिटी है, जो लोग मटन लवर हैं वो इसको बहुत लाइक करते हैं। ये मटन कीमा, ये कीमा जो हाथ से बनाया होता है वो वाला, मशीन की कटिंग नहीं है, इसका साइज दाने का थोड़ा बड़ा होता है, इस वजह से इसका टेस्ट बहुत अच्छा निकलता है। ये मटन और ये मटन कोरमा है ट्रेडिशनल हमारा जो पंजाब की हुआ है। ये दाल चना है, करी वाली बनी हुई है, थोड़ी स्पाइसी है और अच्छी लग रही है। और ये जो है पालक गोश्त है और ये बिरयानी, बिरयानी भी ट्रेडिशनल बनी हुई है। तो सही है, पालक जो है आप बिरयानी के साथ सर्व करते हैं या पालक बिरयानी के साथ ये सर्व की जाती है? ये पालक फ्रेंड्स, हमारा ऑर्डर सर्व हो चुका है और गर्मा गर्म ताज़ा जो है मुर्गे मुसल्लम वो हम खाएंगे और आपसे शेयर करते हैं टेस्ट इसका कैसा है। सबसे पहले तो ये देखें कि इसके अंदर नट्स की फिलिंग होती है, इसके अंदर किशमिश और काजू होते हैं और एक उबला हुआ अंडा होता है, तो न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बहुत ही बेहतर है। इसके अलावा ये टेंडर बहुत ज़्यादा होता है। गर्मा गर्म तंदूर से रोटी लग के आई है फ्रेश, उनको ट्राई करते हैं। सबसे पहले इसकी स्पेशलिटी ये कि ये बहुत ज़्यादा टेंडर है, जेन्युइन टेस्ट है इसके अंदर। जी शहबाज, आपको टेस्ट कैसा लगा? सर बहुत अच्छा टेस्ट लगा मुझे, तो पहली मतलब मैं खा रहा हूँ, और सबसे अच्छी बात यह है कि मसाला जो है ना बहुत लाइट है, जो मेरे मतलब का है। पैराडाइज के चिकन में सबसे अच्छी बात यह है कि इसके मसाले बिल्कुल आप कह रहे हैं मुनासिब है, ना बहुत ज़्यादा तेज़ है और ना बहुत लाइट, और फिर इसके अंदर जो स्टफिंग है वो कमाल की, ग्रेवी प्याज की और स्टफिंग, और इसका अप, चिकन का अपना टेस्ट, हर चीज़ परफेक्ट कमाल, 10 out of 10। कुछ यहाँ पे कस्टमर्स बैठे हुए हैं हमारे फ्रेंड्स, वो खाने को एंजॉय कर चुके हैं, उनसे हम थोड़ा उनका फीडबैक लेते हैं। यहाँ पे हम 35 इयर्स से आ रहे हैं, माशाल्लाह इनका टेस्ट वही है, हम इनके शादियों के भी फंक्शन करवाए हैं, घर में भी बहुत सारे फंक्शन करवाए हैं, इनके खाने माशाल्लाह अच्छे। इनकी क्या स्पेशलिटी है कि लोग लाहौर में बाकी बहुत सी मुनफरद जगह है जहाँ पे बहुत अच्छा जायका है उसको छोड़ के जो यहाँ के कस्टमर हैं लॉयल हैं यहाँ के साथ वो यहीं आते हैं? इनका टेस्ट वही चला आ रहा है जो पीछे से, टेस्ट में कंसिस्टेंसी है। हाँ, कोई वो कंप्रोमाइज नहीं, गोश्त की क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी है। अब मैंने एक मटन ज्वाइंट खाना था, अल्लाह के फजल करम से दो खाए हैं और तीसरा जो भाइयों का दिया हुआ था वो भी खैर दिया। फ्रेंड, जिस तरह किसी मूवी में बिहाइंड द सीन्स और बिहाइंड द कैमरा जो होता है वो सबसे मज़े के सीन होते हैं, वो सबसे इम्पॉर्टेंट लोग होते हैं,
इसी तरह से किसी रेस्टोरेंट में वहाँ के जो शेफ होते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन होती है उनका रोल जस्ट लाइक अ बैकबोन उसमें होता है। तो आज हम पैराडाइज रेस्टोरेंट के मास्टर शेफ फयाज साहब से आपकी मुलाकात करवाते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनकी क्या स्पेशलिटीज़ हैं और किस तरह से वो खाने को बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम फयाज साहब। वालेकुम अस्सलाम सर। हमारे फ्रेंड्स के साथ आप शेयर करते हैं कि आप यहाँ पे कौन कौन सी डिशेस कुक करते हैं और क्या स्पेशलिटी है, किस तरह से उन चीज़ों को बनाते हैं आप? जी राज सर, हम चीज़ बनाते हैं जनाब, और राइस बनाते हैं जनाब, मटर बिरयानी वाले के साथ, उसकी पहले जगह निकालते हैं, उसके मसाले बनाई करके कुछ अच्छे तरीके से और अक्सर लहसन और उसको पेस्ट डाल के बनाई करके उसकी बिरयानी होती है यखनी वाली। अच्छा, यखनी वाली बिरयानी और बगैर यखनी के इन दोनों के जायके में क्या फर्क? जी फर्क यखनी वाली बिरयानी के साथ यखनी निकाल के टेस्ट बन जाता है, टेस्ट बन जाता है, और ऐसी वाली बिरयानी में चोर दम कर टेस्ट। मुर्गे मुसल्लम के मास्टर माइंड मास्टर शेफ फैसला, मैं मुर्गे मुसल्लम का कारीगर हूँ, मैं मुर्गे मुसल्लम को बनाता हूँ। मुर्गे मुसल्लम को पहले 2-3 घंटे सिरका और नमक लगा के रखता हूँ, उसके बाद उसको अच्छी तरह साफ करके और फ्राई करके मसाले में 1 घंटे तक पकाता हूँ। अच्छा फैसल, उसको पकाते हैं या स्टीम करते हैं? पहले पकाते हैं उसको, वहाँ पर उसके अंदर कुछ मसाले वगैरह डाल के एक घंटे। अगर मैं कहूँ कि पैराडाइज रेस्टोरेंट की बैकबोन जो है वो फैसल है, तो ये गलत नहीं होगा। खाने की आप बात करें तो इतना यकीन करें कि ट्रेडिशनल फूड है, हाइजेनिक है और ट्रस्ट वर्दी है। ये सबसे बड़ा आपको होटलिंग में परेशानी होती लाहौर में, जो मुख्तलिफ मीडिया पे भी देखते हैं और कुछ सिकंडल भी ऐसे बाहर आ जाते हैं, मटन पे आप बिल्कुल आंखें बंद करके यकीन कर सकते हैं कि वो बिल्कुल हेल्दी है, हलाल है और क्वालिटी है। जी व्यूअर्स, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में दीजिए।